ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि मुझसे पूछे बगैर तुम यहां चली आई? नहीं खालिद, वो मैंने मना किया था। खाक मना किया था तुमने? और तुम मुझे ये बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम उसको घर ले जाओगी, यहां कैसे? खालिद भाई, आज ही घर ले जाना है इसको, बस डॉक्टर के पास जा रही थी बात। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर से बात करने की, मैं डॉक्टर से बात करके आया हूं, अब ये सीधा घर जाएगी। बात सुन, तुमसे तो मैं घर जाके बात करूंगा। तो खालिद भाई, डॉक्टर ने तो इसे आराम करने के लिए कहा है। नहीं तो वहां मैं इसको क्या पत्थर तोड़वाने जा रहा हूं? उसका घर है वो। मैं नीचे बाहर गाड़ी में खड़ा हूं, उधर आ जाओ। क्या हो गया तुम्हें? तू रो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना। कैसे कुछ नहीं होगा? आपने देखा नहीं खालिद कितने गुस्से में थे? तो सब पता चल गया है शायद। तुम भी जाओ तो सही फौरन, और कुछ कहना मत, समझ में आइए? मैं कुछ करती हूँ, शहजाद से भी बात करती हूँ। पागल हो गए? अल्लाह ना करे, कुछ नहीं होगा। और तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कुछ कर लेंगे। खालिद क्या मुझसे नाराज है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराज क्यों होंगे वो? वैसे आपने ये बात पूछी क्यों? मैं सबसे हॉस्पिटल से आई हूँ, खालिद मुझसे बात ही नहीं कर रहे, इतने खामोश हैं। बस ये कहा कि सामान पैक कर लो, घर जा रहे हैं। भाई नाराज नहीं है, हाँ परेशान जरूर है। क्यों, क्या कहा डॉक्टर ने? एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होगा, और भाई ऑपरेशन ही करवाना चाहते हैं, इसलिए थोड़े से डिस्टर्ब हैं। लेकिन प्लीज आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाय द वे, भाई कहाँ है इस वक्त? पता नहीं, अभी कमरे में तो नहीं थे। अच्छा, आ जाएंगे आप। मैं फरी से कह देता हूँ कि वो आपको कमरे तक छोड़ देते हैं। डॉक्टर ने खालिद से कहा है कि तुम्हारा एक ऑपरेशन होना चाहिए, और इस ऑपरेशन के बाद तुम शायद फिर कभी मां ना बन सको। क्या? मेरी जान, संभालो खुद को, हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो ना, इसीलिए तो जा रहे हैं डॉक्टर के पास। देखो लाइबा यार, पता है मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी, मैं जानती थी ना तुम हौसला हार जाओगी। देखो हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो सकता है डॉक्टर के पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, लेकिन डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना। हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? से बातें नहीं करते मेरी जान, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। देखो हौसला रखो और अल्लाह पर यकीन रखो, कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलने के लिए तैयार, और तुम एक दफा देख लो कुछ और सामान ले जाने का है तो जल्दी से रख लो, अभी हमें जाना होगा।
हेलो शहजाद, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, खालिद भाई हॉस्पिटल आ गए थे। ओह माय गॉड, अच्छा ये बताओ कहाँ है वो? लाइबा को लेकर यहाँ से गए हैं, बहुत गुस्से में थे। डॉक्टर से बात किया, मुझे डर लग रहा है कहीं डॉक्टर ने उन्हें सब कुछ बता ना दिया हो। बहुत डर लग रहा है मुझे। यश्मिया तुम परेशान मत हो, भाई को कुछ भी नहीं पता चलेगा। कि तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? यश्मिया मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं डॉक्टर से बात कर चुका हूँ, वो कुछ भी नहीं बताएंगे भाई को। इनफैक्ट उन्होंने अपने स्टाफ से भी कह दिया है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तुम रिलैक्स हो जाओ। थैंक गॉड, शुक्र है। लेकिन फिर वो अगर उन्हें डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं तो इतने गुस्से में क्यों थे? आई हैव नो आइडिया, मैं घर जाके पता करूँ। हाँ प्लीज तुम फौरन चले जाओ और मुझे घर पहुंचकर सिचुएशन बताओ। लाइबा भी बहुत डरी हुई थी, बेवकूफी में कुछ कह ही ना दे। हाँ ये तो है, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं घर जाके तुम्हें बताता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। जा रहा हूँ। वो आज क्या पकेगा, पैसे देके जाना मुझे। दो दिन हुए मुझे नौकरी से निकले हुए और तुम्हारी डिमांड शुरू हो गई। तो क्या करूं, खाना नहीं पकेगा तो तुमको ही गुस्सा आएगा फिर। वो जो इतने सारे पैसे दिए थे मैंने दो दिन पहले, वो कहाँ खर्च हो गए? कौन से पैसे, वो तो सारे खर्च हो गए। ओहो यार, ये खाना कपड़ा तुम्हारा फोन का खर्चा, इसके अलावा तुम्हारा क्या खर्चा है? मेरी बात सुनो, खाने और पहनने के अलावा भी ना इंसान के 100 खर्चे होते हैं। देखो सुघड़ औरतें जो होती है ना, वो बुरे वक्त के लिए बचा के रखती हैं पैसा। मुझे क्या मालूम था कि इतनी जल्दी तुम पे बुरा वक्त आ जाएगा। और मैं कोई सुघड़ फुघड़ नहीं हूं, समझे ना। और कौन से तुमने मुझे लाखों रुपए दे दिए जिसका हिसाब मुझसे मांग रहे हो? ये जो तुम बुरे वक्त की बात कर रही हो ना, ये तुम्हारे कदमों की नहुसत की वजह से हुआ है। और ईमान से मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं। खबरदार, खबरदार जो मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश भी की तो, बीवी हूं तुम्हारी, कोई खरीदी हुई गुलाम नहीं हूं जो दिल चाहेगा सुलूक करोगे मेरे साथ, समझे। बल्कि किसी दिन ऐसा करूंगी, तुम्हारी चाय में ना चूहे है मारने की दवा मिला दूंगी, पीते ही मर जाओगे, जान छूटेगी मेरी। अब जाओ, खराब कर दिया मेरा, नाश कर दिया सारे प्रोग्राम का। एक बात बताओ मुझे, ऐसी क्या तकलीफ थी कि मुझे बगैर बताए तुम घर से निकल पड़ी? हालत मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। भाई यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तकलीफ थी तुझे कि तुम 3 दिन से घर पे नहीं हो और तुम्हारी बहन बता रही कि तुम घर पर हो। मेरी बात सुनो, मुझे लग रहा है तुम दोनों बहनें मुझसे कोई गेम खेल रही हो। नहीं, मैं आपको बताने ही वाली थी कि डॉक्टर ऑपरेशन। ओहो ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बात सुनो, ये बकवास बंद करो अब, और आइंदा अगर तुमने ऑपरेशन के लिए सोचा ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हां एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे बच्चा चाहिए और हर कीमत पे बच्चा चाहिए, वो भी तुमसे, और जल्दी। ये बात समझ लो सही तरीके से और अपनी खोपड़ी में बिठा दो, समझी। जरा सोचो, आपके बगैर ये लोग क्या रह पाएंगे, जी सकेंगे? वक्त ने तोड़े क्यों ये सितम है, एक पल कहीं अब तो। तुम और अली दोनों आगे पढ़ोगे चाहे कुछ भी हो जाए। मगर अब्बू भाई, एक तो तुम्हारी सुई वापस आकर अब्बू पर ही अटक जाती है,
मैं भी तो पढ़ ही रही हूँ ना, उन्हें पता चला तुम्हारा भी नहीं पता चलेगा। तुम और अली दोनों के दोनों ग्रेजुएशन करोगे, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। हालत से बात हुई, क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने उनसे बात की थी कि दो चार रोज तो मेरे साथ ही रहोगे, अभी फिलहाल तुम सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ अपनी सेहत के बारे में सोचो, बाद में देखेंगे बाकी चीजों के बारे में क्या करें। आपको उनके गुस्से का अंदाजा नहीं है, वो मार डालेंगे मुझे। अरे कैसी मार डालेंगे, मेरी बहन को कोई हाथ भी नहीं लगा। चल चल मिलो, मैं कभी मार नहीं बन सकती। हाय बाप, हेलो लाइबा, लाइबा कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? लाइबा कुछ बोल तो नहीं रही? सब ठीक है? खालिद भाई ने कुछ कहा है? मेरी जान तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है ना? जरूर खालिद भाई ने कुछ खाया है ना? लाइबा तुम मुझे डरा रही हो। देखो एक काम करो, फोन रखो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। नहीं मैं आप ही अभी बताइएगा प्लीज। अच्छा अच्छा मेरी जान नहीं आ रही, लेकिन बताओ तो सही। क्या बताऊं, ये बताऊं कि मैं ठीक हूं, या ये बताऊं कि खालिद को कुछ नहीं पता? या फिर ये कि उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है? क्या अगर मैंने ऑपरेशन करवाया तो वो मुझे जान से मार देंगे? और उन्होंने कहा है कि उन्हें बच्चे चाहिए, जल्दी और सिर्फ मुझसे। बाप क्या हो गया, संभालो खुद को। कैसे संभालूं अभी? मैंने तो वो उम्मीद ही खत्म कर दी जिसकी उन्होंने मुझसे उम्मीद की थी। लाइबा आहिस्ता बोलो, देखो खालिद भाई को अभी कुछ भी नहीं पता।
बता देंगे हम उन्हें, बस एक दफा तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल नहीं। इतना बड़ा सच उनसे कैसे छुपा सकती हूँ, वो शौहर है मेरे। राहिबा बात समझने की कोशिश करो, ये करना जरूरी था। और जहां तक बात रही उन्हें बताने की, तो हम बता देंगे ना, फिलहाल बस तुम चुप रहो। आज नहीं तो कल उन्हें सब पता चल जाएगा। अभी कैसे सामना करूंगी उनका? आप ही, आप जो भी कहें, मैंने बहुत गलत किया है उनके साथ, मैंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। लाइबा, लड़की तुमने तो कहा था कि तुम उसको घर ले जाओगी, यहां कैसे? खालिद भाई, आज ही घर ले जाना है इसको, बस डॉक्टर के पास जा रही थी बात करने। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर से बात करने की, मैं डॉक्टर से बात करके आया हूं, अब ये सीधा घर जाएगी। बात सुन, तुमसे तो मैं घर जाके बात करूंगा। तो खालिद भाई, डॉक्टर ने तो इसे आराम करने के लिए कहा है। तो, नहीं तो वहां मैं इसको क्या पत्थर तोड़वाने जा रहा हूं, उसका घर है वो। मैं नीचे बाहर गाड़ी में खड़ा हूं, उधर आ जाओ। खत्म करो ये सारा ड्रामा नहुसत का, तुमने तो मेरी खुशियां तबाह कर दी। देखे, देखे। खालिद, इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर ये है कि तू मनहूस है। जब से तू मेरे घर में आई है ना, मेरे हर काम में मसला ही मसला पैदा हो रहा है। खालिद प्लीज, खुदा के लिए ऐसे मत कहिए खालिद। अरे तू तो शुक्र अदा कर कि मैं तुझे घर से नहीं निकाल रहा। अब तेरी भलाई इसी में है कि अपने काम से लग जा, और महारानियों की तरह लेटे रहना मैं तुम्हें नहीं देखूं, समझी? तो डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा था डॉक्टर ने? वही कहा जो पहले कहा था। पता था मुझे कि डॉक्टर यही बोलेगा, देख मुझे तेरा ऑपरेशन नहीं कराना। अरे डॉक्टरों का तो बस चले कि हर आदमी को लेटाकर ऑपरेशन करते हैं उसकी। अब खड़े खड़े क्या देख रही है? जा जाके मेरे लिए पानी लेके आ जा, मैं उबर जा रहा हूं। कब आए? मैं बस अभी अभी। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक है? हाँ, तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ, मुझे लगा तुम फेल हो गई हो इसलिए इतनी परेशानी में बैठी हो। क्या मतलब? मतलब आज रिजल्ट ना तुम्हारा? आज तो रिजल्ट आ रहा था, मैं चेक करना ही भूल गई। वेरी गुड। क्या हुआ? ये साइट ही नहीं लोड हो रही। दिखाओ। थिंक नेट का कोई इशू है। हो गई, रिफ्रेश। देखो वो लाइबा का ऑपरेशन हुआ था, उसका क्या हाल है? हाँ, अब तो घर भी आ गई है। दैट्स गुड। क्या बना? ओह माय गॉड, सलमान ये देखो मेरी हाईएस्ट जीपीए आई है। मैं बस अम्मी को बताती हूँ, बहुत खुश होंगी वो। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस, अब मेरी ट्रीट पक्की है। हाँ, बस एक दफा जैसे जॉब हो जाए फिर ट्रीट भी जरूर। क्या मतलब जॉब?
जॉब की ट्रीट बाद में होगी, अभी रिजल्ट की ट्रीट चाहिए। अच्छा, मैं एक सेकेंड अम्मी को जरा बता दूं। ओके। बल्कि मैं ना अम्मी को जाके बताना चाहती हूँ, इज दैट ओके? या चल। एंड थैंक यू। किस लिए? ये बाद में बताऊंगी, अभी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। कहा दे तो? मुझे जैसे ही मैं घर पे पहुंचा मुझे पता चला मैं भागा भागा आ गया। क्या भागा भागा आया हूँ यार, मुसीबत है तू मेरे लिए। वो चौधरी साहब का काम जो है पता है उसको, याद है तुम्हें वो? कौन सा काम चौधरी साहब? अरे दो दिन के लिए कहा था, दो दिन में करके दो, तो तुम्हें याद भी नहीं रहा? वो पेपर, वो मैं भूल गया खालिद भाई, दो दिन दे दे मैं कर दूंगा उसको। अरे भाई क्या दो दिन दूं यार, वो चौधरी साहब का तो पता नहीं, वो तो हमारी ऐसी की तैसी कर देगा। कल सुबह उसकी फ्लाइट है, दो दिन कैसे मैं तुम्हें दे दूं? खालिद भाई बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया था वो काम। मैं भाई दिमाग से निकल गया तो मेरा कसूर है? मेरे मत्थे में तुम आगे लगे हो, क्या नुकसान दे रहे हो मुझे तुम? अब मैं क्या करूं बताओ मुझे, क्या करूं? माफ कर दें खालिद भाई। क्या माफ करूं? एक मैं ही रह गया हूं तुम्हें माफ करने के लिए? तुम्हारे सारे खानदान को मैं ही पालूं, मैं ही माफ करता रहूं? निकल यहां से, निकल चल। खालिद भाई हमेशा तो काम वक्त पर ही होता है, इस दफा गलती हो गई। अबे खाक वक्त पे होता है, जब से तुम्हारी नई बीवी आई है तुम सारा दिन घर पे बैठे रहते हो, बिल्कुल बेकार होके रह गई हो मेरे लिए। तो तुम भाई बात सुन, तू एक काम कर, तू कहीं और अपना काम ढूंढ, यहां से निकल और अपना ब्योरी बिस्तरा बस बांध, चल निकल यहां से, निकल। देखो सफर, इस तरह हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं सड़क पे निकल जाऊं, फुटपाथ पे भीख मांगता फिरूंगे, भाई अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। अरे भाई तुम तो दोबारा से खालिद के पास गए ही नहीं। अरे हो सकता है उस वक्त वो गुस्से में हो इसलिए तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, तुम्हें दोबारा बात तो करनी चाहिए थी ना। पाता कि वो जलील करके मुझे दोबारा निकलवा, अगर उसे जरूरत होती तो बुलवा लेता। देखो काम की जरूरत तुमको है, उनको नहीं है, इसलिए मेहनत भी और कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। और वैसे भी तुमने इतना अरसा उनके साथ काम किया है, कभी कोई गलती नहीं की, अब इतनी छोटी सी गलती पे यूं कोई नौकरी से निकाल देता है? मैं तो कहती हूँ तुम्हें एक बार फिर से बात करनी चाहिए। उसने बहुत जलील करके मुझे निकाला था, बहुत जलील करके। ओफो, इस वक्त काम भी तो तुम्हें ही है ना। मैं तो कहती हूँ मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़े ना तो बना लेना चाहिए। हाँ कह तो तुम ठीक रही, क्योंकि खालिद के मैंने बहुत अच्छे बुरे काम किए हैं, दो नंबर काम वो मुझसे ही करवाता था। अच्छा अगर ये बात है फिर तो तुमको उससे अकड़ के बात करनी चाहिए, बल्कि इस बात का उसको एहसास भी दिलाओ कि अगर उसने तुमको नौकरी नहीं दी तो तुम भी उसकी पोल पट्टी खोल के रख दोगे। ये क्या है? अरे हाँ याद आया, ये वो TCS वाला लिफाफा देके गया था। लिफाफा? कैसा लिफाफा? मुझे क्या पता, खुद ही देख लो ना। क्या है ये? तो कोर्ट का नोटिस है, यशमिया ने भिजवाया। चलो बस इसी की कसर रह गई थी, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। मुझे यहाँ पर आने का कोई शौक नहीं, मैं अली को लेने आई हूँ। अली? अली का नाम भी मत लेना, अली मेरा बेटा है, मेरा बेटा।
जानते हैं आपके बाप कैसे बना जाता है? बाप की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या आप ये जानते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में ये औरत आप ही के बेटे के साथ क्या रवैया अख्तियार करती है? आए, आए मेरे अल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर। आप जानते हैं सफर, मैं आपके बच्चे से कितना प्यार करती हूँ। अरे अगर अपना सगा बच्चा भी हो तो उसे माँ मारती भी है, प्यार भी करती है ताकि उसकी अच्छी तरबियत हो सके। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या बुरा किया? बल्कि उसने तो मुझे सफर इतनी जोर का धक्का दिया ना, सच्ची मुझे इतनी चोट लगी है, मैं क्या बताऊँ आपको। आपको फिर भी हर गेज उस पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। क्यों नहीं हक है? माँ है, अच्छा बुरा समझाएगी। तुम्हारी माँ की तरह थोड़ी है जो ये तरबियत की है तुम लोगों की। मेरी माँ का नाम मत लीजिए वरना मैं भूल जाऊंगी आपका और मेरा क्या रिश्ता। तो मैं तो वैसे ही भूल चुका हूँ, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है भाई। तुम लोग तो उसी दिन मेरे लिए मर गए थे। मैं यहाँ आपसे सिर्फ ये कहने आई कि मैंने अली की कस्टडी के लिए अपने वकील से बात करी है। तू क्या समझ, मतलब तू इतनी आसानी से अली को ले जाएगी? कहने तो मैं आपको यही आई थी कि आप आराम से सीधी तरह अली को मेरे हवाले, लेकिन शायद आपको तो सीधी बात समझ में आती नहीं। अगर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का शौक है तो फिर यही सही, अगली मुलाकात है कोर्ट में ही। मेरा वकील आपको कल नोटिस भेजेगा। धमकी मत दे, मत दे कोई धमकी वमकी, समझ गई? जो दिल चाहे कर ले, जा जा, गुंडों को कंडक्टरों को सबको बुला ले, वकीलों को बुला ले, जजों को बुला ले, ठीक है ना? धमकी मत दे, लेकिन फिलहाल ऐसा कर, इस घर से निकल, चल चल निकल। बस अब मैं आपकी जागीर नहीं, जा रही हूं यहां से, और बहुत जल्द अपने भाई को भी लेकर जाऊंगी। खेलो, मिठाई खाओ, तुम्हारे लिए ये मिठाई। हाँ, लेकिन पहले आप खाएंगी क्योंकि दुआ तो आपने की थी ना मम्मी। और ये क्या अम्मी, रो क्यों रही हैं? अब नहीं आने चाहिए आंसू आंखों में। अम्मी, ये तो कामयाबी का पहला जीना है। साहब देखें आपकी बेटी कहाँ तक जाती है। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे बच्चों को हर कदम पर कामयाबी दे, बहुत खुशियां दे। ये तो खुशी के आंसू है बेटा। लेकिन बस अम्मी, अब रोना धोना बंद करें ना, इतने दिनों बाद तो कोई खुशी की खबर मिली है। साहब आप ना दुआ करती रहें कि साथ ही साथ एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर देखिएगा फौरन ना ही घर किराए पे ले लूंगी। वो तो सब ठीक है बेटा, घर छोड़ने की क्या जरूरत है, अच्छा भला तो है, और वैसे भी हम लोग दो ही तो हैं, ज्यादा लोग थोड़ी। नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं था, तो आपको अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, सब हालात ने ही साथ नहीं दिया। मगर अब आप देखिएगा, और हम दो क्यों हैं, अली भी तो होगा बहुत जल्द हमारे साथ। मगर यशमिया, अली को तुम्हारे अब्बू कभी भी आने नहीं देंगे हमारे पास। अम्मी, उन्हें नोटिस मिल गया होगा और कोर्ट के ऑर्डर के आगे वो कुछ नहीं कर सकते। अब फिर वही बात ना, क्यों इतना सोचते हैं, क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? आप मुझ पर छोड़ दें अम्मी, मेरा आपसे वादा है अली बहुत जल्द आपके साथ होगा। आमीन। यशमिया, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, ठीक से खाता भी होगा या नहीं। तुम्हें याद है ना, उसके पीछे पीछे भागना पड़ता था उसे खाना खिलाने के लिए। पता नहीं क्या हाल होगा, कैसे रखा हुआ होगा मेरे बच्चे का।
जानती हूँ उम्मीद, बहुत याद करती हैं अली को। रश्मिया, कोई माँ अपनी औलाद को कभी भी नहीं भूलती। अब लाइबा को देखो, हर वक्त मेरा ध्यान उसकी तरफ रहता है। वो तुम सच कह रही हो ना, खालिद ने लाइबा को तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं अम्मी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? वो लाइबा के ऑपरेशन का खालिद को पता तो नहीं चला? नहीं, फिलहाल नहीं पता। अब और आप परेशान नहीं हो, वो शहजाद है ना वहां पे, सब कुछ संभाल लिया उसने। क्या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस इसी तरह मेरे बच्चों का ध्यान रख, खुशियां दे दे मेरे बच्चों को, मेरी बच्ची खुश रहे। आमीन। खुश रहो तुम लोग। देखो जफर यार, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने तुम्हारी जगह पर दूसरे बंदे को रख लिया है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बात तो ना करना खालिद भाई, आदमी थोड़ी सी तो मुरव्वत दिखाता है। मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत काम किया। हाथ तो ये कि मैंने अपनी बेटी भी आपको दे दी। क्या मतलब है, क्या कह रहे हो तुम? काम, हर काम का तुमने पैसे लिया है मुझसे, रकम दी है तुमने मुझसे, और वो तुम्हारी बेटी, बेटी की जो बात कर रहे हो, वो भी तुम्हारी बेटी? अरे भाई, ना किसी काम की है ना किसी काज की है यार, मुसीबत है हमारे लिए। वो बात 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 पैसे की नहीं है खालिद भाई, मैंने आपका हर हराम और हलाल काम किया है, और मेरा मुंह ना खुलवाए मैं। क्या मतलब, अब तुम मुझे ब्लैकमेल करने लगी हो? ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे, ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? अब देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। ये जिस घर में तुम रह रहे हो ना, ये अभी तक मेरी मिल्कियत है, समझे? खाली करो घर मेरा, निकलो यहां से। अल्लाह ना करे मैं आपको ब्लैकमेल करूं। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मजाक में भाई। ऐसे कह रहे थे या कैसे कह रहे थे? मेरी जान छोड़ो और मेरा घर खाली करो, निकलो, खत्म। खालिद भाई ऐसा तो ना कहे। खालिद भाई आप मुझे घर से निकाल देंगे, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं रोड पे आ जाऊंगा खालिद भाई। ओ भाई आ जाओ रोड पे यार, मेरा क्या इससे? कह दिया ना कि बस घर खाली करो मेरा, जाओ निकलो यहां से। जा रहे हो या बुलाऊं गार्ड को मैं? यार निकल ना। हेलो, ये दवाइयां लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ और मेरे शोहर कर सकते। लाइबा तुम मुझे डरा रही हो। देखो एक काम करो, फोन रखो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। नहीं मैं आप ही अभी बताइएगा प्लीज। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। ज्यादा ड्रामे ना करो तुम मेरे सामने, समझ में आई?